तो दोस्तों फाइनली मेरा आज मैं आप लोगों को मेरा इंस्टाग्राम आईडी आज शो करने वाला हूँ, जो कि मेरा इंस्टाग्राम आज मोनेटाइज हो गया, अच्छा खासा यहाँ पर अर्निंग हो सकता है। लेकिन आपके पास भी यदि इंस्टाग्राम आईडी है तो आप भी यहाँ पर जल्दी जल्दी से मोनेटाइज कर दीजिए, क्योंकि 2024 यहाँ पर कुछ दिनों में ही लगने वाला है। और आपको मालूम है कि मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि बोनस बहुत ही जल्दी मिलने वाला है, तो आप जैसे आप मोनेटाइज नहीं किए होंगे तो आप जल्दी जल्दी अपना जो इंस्टाग्राम आईडी है मोनेटाइज कर लीजिए, और यहाँ पर 2024 में हो सकता है इनवाइट आपको भी मिल जाए बोनस का। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो हम रील्स बनाते हैं, रील्स बना के यहाँ पर भी पैसा कमाया जाता है, लेकिन ये आइडिया बहुत सारे कम लोगों को ही पता है। जो कि दोस्तों मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो भी आप रील बनाते हैं उनको प्रोफेशनल डैशबोर्ड में यहाँ पर आपको कन्वर्ट करके रील को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके साथ साथ आप कुछ यहाँ पर गाइडलाइंस है और यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, इन लोगों को आप लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों जब इन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो आपको इंस्टाग्राम खुद आपको बोनस देगा और रील से अच्छा खासा यहाँ पर इनकम कर सकते हैं। इनके साथ साथ आप लोगों को एक और बात बता देता हूँ, जैसा कि यहाँ पर हम इंस्टाग्राम से हमको बोनस भी मिलता है, उनके साथ साथ भी हमको लोगो प्रमोशन से भी यहाँ पर अर्निंग का सोर्स बना रहता है। लेकिन इन चीज़ों को आप प्रैक्टिकली यहाँ पर आप सीखोगे, यहाँ पर एनालाइज करोगे, तब जाके आप लोगों को ये सब चीज़ प्राप्त होने वाला है। आप सोच रहे होंगे इसे मतलब बोले तो यहाँ पर आप ये इंस्टाग्राम आईडी बनाकर यहाँ पर प्रोफाइल पर आप रील्स अपलोड करके यहाँ पर कमा सकते हैं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि यहाँ पर इंस्टाग्राम के पास कुछ रूल्स होते हैं, इन लोगों को आप लोगों को फॉलो करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं तो आप कॉपी पेस्ट के माध्यम से भी आप इंस्टाग्राम से अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे यूज़र हैं जो इंस्टाग्राम से भी अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं और लोगो प्रमोशन से भी, स्टोरी प्रमोशन से भी यहाँ पर अर्निंग कर रहे हैं। चलिए आप लोगों को ये बात पर टॉपिक आप लोग बता देते हैं। यदि आपके मन में ये डाउट चल रहा होगा कि हम खुद का रील्स तो बनाते हैं लेकिन व्यूज़ नहीं आता, तो यहाँ पर हम कैसे कमाएं, तो यहाँ पर कम से कम फॉलोअर पे भी आप लोगों को प्रमोशन मिल सकता है, लोगो प्रमोशन मिल सकता है, यहाँ पर अर्निंग मिल सकता है। लेकिन आपके मन में ये डाउट हो रहा होगा कि हमारे रील्स पर व्यूज़ नहीं आते, हमारे रील्स पर यहाँ पर फॉलो नहीं बढ़ते, फॉलोवर्स नहीं बढ़ते, तो आप लोगों का ये भी क्लियर डाउट आज करने वाला हूँ। चलिए दोस्तों ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ। यदि आपके पास यहाँ पर आप एक साइड में अपना प्रोफाइल वाला आईडी रखिए, नेक्स्ट साइड में आप कॉपी पेस्ट वाला स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों आप यदि आपके खुद के रील में व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो आप नेक्स्ट वाला रील्स पर आप कॉपी पेस्ट स्टोरी वाला वीडियो कर अब यहाँ पर आप फॉलोअर्स गेन कर सकते हैं और अपना जो इंस्टाग्राम आईडी है ये मोनेटाइज कर सकते हैं। लेकिन उनके साथ साथ आप लोगों को कुछ ध्यान रखना होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को पता है नकल के लिए अकल की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों हम किसी की नकल करते हैं तो उनको अकल लगाना ज़रूरी है, तो उनको कैसे अकल लगाना है, वीडियो एडिटिंग कैसे करना है, कहाँ से वीडियो लेना है, ये सारा चीज़ आज की वीडियो में आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों आज के वीडियो आप लोग फुल वॉच कर लेते हैं तो आपको इंस्टाग्राम का पूरा यहाँ पर प्रोसेस पता चल जाएगा कि हमको इंस्टाग्राम में कैसे वीडियो अपलोड करना है, कैसे यहाँ पर रील्स करके व्यूज़ लाना है, फॉलोअर्स बढ़ाना है और मोनेटाइज करना है, ताकि हम 2024 में आने वाले समय में हम बोनस का भागीदारी बन सके और यहाँ से अर्निंग स्टार्ट कर सके। कोई भी प्लेटफार्म हो दोस्तों, जब तक आप प्रैक्टिकली यहाँ पर एनालाइज नहीं करोगे तब तक आप लोगों को कुछ पता नहीं चलने वाला। इसी कारण से मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इंस्टाग्राम के बारे में, जो मैंने यहाँ पर डैशबोर्ड में, यहाँ पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड में यहाँ पर कन्वर्ट करके आप यहाँ पर भी चैनल इंस्टाग्राम मोनेटाइज कर सकते हैं, ये सारा चीज़ आप लोगों को बताया था। लेकिन आज की वीडियो में आप लोगों को पूरा शो मैं करने वाला हूँ, जो कैसे मेरा पेज है यहाँ पर, जो मैंने पेज इंस्टाग्राम प्रोफेशनल डैशबोर्ड यहाँ पर बनाया है, प्रोफेशनल प्रोफाइल में यहाँ कन्वर्ट किया है, ये सारा चीज़ आप लोगों को बता दूंगा आप लोगों का, और यहाँ पर भी आप अर्निंग कर पाते हैं। उससे पहले आप लोगों को कुछ मैं इंपॉर्टेंट वाली बात बताना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ पर जो कॉपी पेस्ट वाला आप यदि प्रोफाइल या इंस्टाग्राम में काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप लोग किसी का भी वीडियो लेते हैं, रील्स लेते हैं, उनको एडिटिंग करना आना चाहिए। क्योंकि यह दूसरे का कंटेंट होगा तो आप लोगों को कॉपीराइट क्लेम भी मिल सकता है और डीमोनेटाइज हो सकता है आपका प्रोफाइल डैशबोर्ड। तो उससे पहले आप लोगों को ये कुछ मैं एडिटिंग के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि आप लोग भी अच्छी तरीके से इसे समझ पाओ। क्योंकि दोस्तों कोई भी वीडियो हम लोग देखते हैं तो हमको क्लियरली पता नहीं होता और ना ही हमको कोई बताता है, तो हम वीडियो यहाँ पर देखते रहते हैं कि आखिर हम इंस्टाग्राम में हो, चाहे फेसबुक में हो, चाहे यूट्यूब में हो, आखिर नकल करने के लिए अकल कैसे लगाना पड़ता है। क्योंकि नकल करोगे तभी अकल का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों यही आपको वो मंजिल तक पहुँचाएगा जो आपके पास, जब रियल खुद के वीडियो पर व्यूज़ नहीं आते तो कॉपी पेस्ट वीडियो पर
बिल्कुल आप अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। ये सोच रहे होंगे हम खुद का वीडियो पर व्यूज़ नहीं आता तो आप कॉपी पेस्ट भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर अर्निंग देने वाला है। आप अर्निंग का पहले सोर्स बढ़ाइए, आपके पास जब एक रुपये भी पैसा आने लगेगा तो दिमाग का बत्ती खुलने लगेगा। चलिए अब यहाँ पर वीडियो लॉन्ग ना करते हुए आपको इंस्टाग्राम यहाँ पर वीडियो को रील्स को यहाँ पर एडिटिंग कैसे करना है, कहाँ से यहाँ पर रील्स लेना है, ये सारा चीज़ मैं आज की वीडियो में अपने मोबाइल स्क्रीन पर बताने वाला हूँ। चलिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आप लोगों को एडिटिंग का पूरा जितना भी प्रोसेस है, रील्स अपलोड करना है, एडिटिंग कैसे करना है, रील्स कहाँ से लेना है, कैसे नाम रखना है अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल का, ये सारा चीज़ मैं आज की वीडियो में पूरा क्लियर करने हूँ। दोस्तों इससे पहले आप लोगों को मैं एक बार बता देता हूँ, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि दोस्तों आपके एक वीडियो और एक सब्सक्राइब के लिए हमारा बहुत ही मोटिवेट होता है और हर एक नए यूट्यूबर के लिए होता है। चलिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आप लोगों को सारा चीज प्रोसेस बताते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और आप लोगों को बताने वाले हैं कि हमने कैसे यहाँ पर इंस्टाग्राम पेज को मोनेटाइज कर लिया और गिफ्ट वाला जो ऑप्शन है इनेबल हो गया है। और दूसरा, आप भी ऐसे स्टोरी वीडियो आप बनाना चाहते हैं, स्टोरी वीडियो आप भी बनाना चाहते हैं, अपना चैनल जो इंस्टाग्राम पेज है उसको मोनेटाइज करना चाहते हैं, तो आप लोगों को भी यही तरीका आप लोगों को अजमाना चाहिए। चलिए सबसे पहले मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूं, जो इंस्टाग्राम हमारा जो आईडी है वो मोनेटाइज है कि नहीं है। आप देख सकते हैं यहां पर जो अपना इंस्टाग्राम आईडी है, ये वाला जो वाला लोगो है, देखिए आपको मेरे ये यहां पर इंटरटेनमेंट का यहां पर कुछ मैं कैटेगरी लिख रखा हूं और यहाँ पर आप देख सकते हैं 170 पोस्ट है और यहाँ पर 3500 के आसपास हम यहाँ पर जो यहाँ पर फॉलोअर्स हैं, ये हो गई फॉलोअर्स की बात। और यहाँ पर स्टोरी वीडियो को आप देख सकते हैं ध्यान से, ये स्टोरी वीडियो है दोस्तों, जितना भी है ये टोटल पूरा स्टोरी ही वीडियो है, जितना भी है वो स्टोरी वीडियो है। देखो दोस्तों यहाँ पर देखो 11,000 और कुछ ऐसा यहाँ पर जो जितना भी है आप देख सकते हो, आप विजिट करना इस पेज पर और आप लोगों को जितना मिलेगा पूरा स्टोरी वीडियो ही मिलेगा जो कि यहाँ पर मैंने पोस्ट किया हूँ। और इसे अच्छा खासा यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर इंक्रीज व्यूज़ दिख रहा है और उन्हीं व्यूज़ के चक्कर में यहाँ पर हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है ये मोनेटाइज हो गया है। अब चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को बता देता हूँ इंस्टाग्राम का जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड में यहाँ पर जो रील्स है ये आप लोगों को यहाँ पर कुछ देखने को मिलता होगा। ये देखो ध्यान से यहाँ पर अच्छा जा रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा है, ये सब चीज़ यहाँ पर डाटा शो होता है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर देखिए अकाउंट रीच है वो 2,47,000 के आसपास है, अकाउंट एंगेजमेंट है यहाँ पर 19,000 यहाँ पर 501 है, 5 है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, और टोटल फॉलोअर है 3550 के आसपास यहाँ पर फॉलोअर है, कंटेंट शेयर 132 है। यहाँ पर जो ब्रांडेड कंटेंट की बात की जाए तो देखो यहाँ पर एलिजिबल यहाँ पर देखो ये ऑप्शन आप लोगों को शो होता होगा। तो यहाँ पर हमारा जो चैनल है, ये पेज है, ये मोनेटाइज है, मतलब ये हमें ये बता रहा है कि आप अपने जो इंस्टाग्राम पेज है इसे मोनेटाइज हो चुका है और यहाँ पर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइंस का कुछ इशू नहीं है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर गिफ्ट वाला ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल गया, जो कि हम यहाँ पर मोनेटाइज करने के बाद ये गिफ्ट वाला ऑप्शन मिलता है। तो ये हमारा जितना भी यहाँ पर इंस्टाग्राम जो इंस्टाग्राम पेज है ये मोनेटाइज हो चुका है और यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर हमको अर्निंग वाला शो स्टार्ट हो रहा है, जो कि हमको कोई भी गिफ्ट देना चाहे तो यहाँ पर हमारा जो अर्निंग है वो यहाँ पर शो होगा। तो ये हो गया हमारा जो रील्स है, अलाउ गिफ्ट एंड रील्स, ये इनेबल है, मतलब हमको कोई भी गिफ्ट यहाँ पर मान ले देना चाहे तो दे सकता है। लेकिन यहाँ पर अधिकतर यहाँ पर आप लोगों को देखा जाए यहाँ पर आप लोगों को लोगो प्रमोशन से, स्टोरी प्रमोशन से यहाँ पर आप लोगों को कमाई होगा। ये रही यहाँ पर तो हमारा जो ब्रांडेड काटे में अचीवमेंट है, ये सब आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हो गई अपना जितने भी है यहाँ पर पेज है ये मोनेटाइज है, आप देख सकते हैं लाइव प्रूफ मैंने दिखा दिया, गिफ्ट वाला ऑप्शन भी है, एंगेजमेंट का यहाँ पर आप देख सकते हैं 2,48,000 के यहाँ पर रीच भेजा गया इंस्टाग्राम ने मेरे रील्स पर। चलिए ये हो गया अपना जो इंस्टाग्राम रील्स के बारे में, मोनेटाइज है, लाइव प्रूफ में दिखा दिया, सब्सक्राइबर यहाँ पर फॉलोअर्स भी दिखा दिया, पोस्ट भी दिखा दिया, और अपना जो यहाँ पर जो वीडियो का कैटेगरी है मैंने डिजिटल क्रिएटर रखा है, दूसरा है यहाँ पर आप
दूसरा पर यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है ये मोनेटाइज है। तो चलिए आप इसको कैसे आप भी यहाँ पर मोनेटाइज कर सकते हैं और इससे आप इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम से भी आप लोगों को पैसा मिलता है, लेकिन तरीका आपको आना चाहिए कॉपी पेस्ट के साथ भी। नकल के लिए अकल की ज़रूरत है। आप कोई भी पेज मान लीजिए यूज़ करते हैं तो आप लोगों को स्टोरी वीडियो बनाना है, चाहे आप यूट्यूब से लो, चाहे इंस्टाग्राम से लो, चाहे फेसबुक से लो, स्टोरी वीडियो बनाना है। तो आप लोगों को क्या करना है, कोई भी स्टोरी वीडियो आप लोगों को डाउनलोड करना है, चाहे मेरे भी आप ले सकते हैं स्टोरी वीडियो, लेकिन उसको एडिट करना आना चाहिए। जैसे कि आप कोई भी यहाँ पर एक वीडियो ले लेते हो इंस्टाग्राम पर, जो भी वीडियो आप लेते हैं इंस्टाग्राम पर या फेसबुक से या यूट्यूब से, उसको एडिट करना आना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई स्टोरी वीडियो, यहाँ पर मेरा खुद का वीडियो नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा खुद का वीडियो नहीं है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं, इनको अच्छी तरीके से एडिट करते हैं और एडिट करके अपने इंस्टाग्राम पर यहाँ पर अपलोड करते हैं। उससे पहले यहाँ पर आपको मान लीजिए आप कहीं भी स्टोरी ले लेते हैं यूट्यूब से हो, चाहे इंस्टाग्राम से हो, चाहे फेसबुक से, तो आप लोगों के पास चलते हैं यहाँ पर काइन मास्टर पर और एडिट करके आप लोगों को दिखाते हैं। जो यहाँ पर प्लस वाला आइकन बन जाए, 9:16 का रेशियो है, और यहाँ पर 16 का रेशियो लेने के बाद यहाँ पर हमको इमेज लेना है। लेने के बाद हमको इस लेयर को थोड़ा बड़ा कर लेना है ताकि हमारा जो जितना रील्स है वो आसानी से आ जाए। जैसे कि ये रील्स का हम जितना भी लेयर है ले लिया, अब हम चलते हैं अपने गैलरी पर, जो वीडियो डाउनलोड किया था उनको हम ले लेते हैं, और लेने के बाद यहाँ पर हमारा जो रील्स है ये वीडियो आ गया। अब आप लोगों को क्या करना है, यहीं पर आप लोगों को दिमाग लगाना है, देखना ध्यान से, जो ये लेयर है उन पर लेयर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्पीड वाला ऑप्शन पर आएगा। यहाँ पर स्पीड करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा इसको हल्का सा स्क्रॉल कर लेना ताकि यहाँ पर ज़्यादा जो वॉइस है ज़्यादा स्पीड में ना हो। इसके साथ साथ आप थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर आपको फिल्टर वाला ऑप्शन आ जाएगा। फिल्टर यहाँ पर आप लोगों को देख रहा होगा, फिल्टर, ये फिल्टर वाला ऑप्शन पर यहाँ पर आप क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारा एनिमेशन यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर फिल्टर देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर फर्स्ट वाला पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारा जो फर्स्ट है यहाँ पर हमने ले लिया। हम इसको कस्टमाइज अपने हिसाब से इसको कर लेंगे। तो चलिए हम इसको फुल रख देते हैं 100 पे। रखने के बाद आप लोगों को अब यहाँ पर जितना एडिटिंग है ये हो चुका है, और यहाँ पर कुछ आप यहाँ पर कुछ लिखना चाहें या कस्टमाइज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। उससे पहले जैसे आपके पास एक नोटिस करना कि आपके पास ये वाला जो लोगो है ये आपके पास नहीं आना चाहिए। आप ये ध्यान देना, लोगो जैसे आए तो उसको ब्लर कर देना। अब इसको ब्लर कैसे कर रहे हैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे ये हमारा जो रील्स है हमने इसको ले लिया, जैसे हमने इसको रील्स को ले लिया तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ऐसे स्क्रॉल करके हमको जो टाइम लाइन है उसको थोड़ा सही लगे रख के यहाँ पर आप लोगों को लेयर पर क्लिक करना, और यहाँ पर इफेक्ट वाला जो ऑप्शन दिया गया है, देखिए यहाँ ध्यान से इफेक्ट वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक करना है और बेसिक पर जाना है, इफेक्ट पर जाना है, और आप लोगों को इन जो लोगों हैं इनको ब्लर कर देना है ताकि हमारे जो वीडियो पर ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। तो चलिए हम इसको ब्लर कर देते हैं, इसको ऐसे करके आप लोग भी ब्लर कर सकते हैं दोस्तों, ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो। ये ऐसे करके इसको ब्लर कर देना ताकि ये हमारे रील्स में ना आए। तो चलिए ये हमारा जो ब्लर है हो चुका है। अब आप लोगों को यदि मान लीजिए आप ये ब्लर नहीं हो पा रहा तो इसको आपको क्या करना है, क्रॉप्ट करना है। आपको यहाँ पर कहीं भी सेंटर में दिया जा रहा था तो आपको इसको क्रॉप्ट कर लेना है। तो जी चलिए यहाँ पर हम इसको क्रॉप्ट करके दिखा देते हैं आप लोगों को, ताकि आपको दिक्कत ज़्यादा ना हो रील्स को एडिट करने में। चलिए यहाँ पर हमें जो रील्स है ये ऐसा कुछ रील्स है, इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि इसको हमको क्रॉप्ट करना आसानी हो जाए। तो चलिए यहाँ पर हमने ये क्रॉप्ट कर लिया यहाँ पर, और हम इसको सिलेक्ट करके इसको फिर से इसको अपने लेयर को बड़ा कर देंगे ताकि ये लेयर सही तरीके से फिटनेस हो जाए। यहाँ पर हम यहाँ पर गौर से देखिए, जो हमारा जो इफेक्ट दिख रहा था जो लेयर वाला है इसको हम डिलीट कर देते हैं, और यहाँ पर देखो लोगो बिल्कुल नहीं आ रहा है। चलिए यहाँ पर अब लोगो नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर इतना तब जितना रील्स है हमको इसको देख लेना है कहाँ पर यहाँ पर कुछ लोगों को थोड़ी आ रहा है, यहाँ पर देखिए नहीं आ रहा है। अब आप लोगों को क्या करना है, इम्पोर्टेंट वाली बात, यहाँ पर फिर से लेयर पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है, और आप लोगों को क्या करना है, एक इमेज ले लेना है, अपना जो इमेज है एक इमेज ले लेना है। तो हम यहाँ पर इमेज पर क्लिक करेंगे, और जैसे हम कोई भी इमेज ले लेते हैं, चलिए हम एक इमेज ले लेते हैं अपना लोगो वाला,
तो चलिए हम इस इमेज को ले लेते हैं। जैसे इमेज लिए हैं तो इनको आप लोगों को क्या करना है, ये वाले बहुत ही इसको आप लोगों को क्या करना है, इस इमेज को आप लोगों को थोड़ा छोटा कर लेना है ताकि ये दिखाई ना दे। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा जो इमेज है ये दिखाई नहीं देगा, एकदम बारीकी से छोटा हो चुका है। और हम इसको क्या करेंगे, इस इमेज को हम इसको थोड़ा सा और बारीक करके, ध्यान से देखिए इस वीडियो को तभी समझ आएगा दोस्तों। अब ध्यान से देखिए कैसे इसको एडिट करना है ताकि आप भी इंस्टाग्राम से यहाँ पर मोनेटाइज कर पाओ। और ये हो गया अपना इमेज, यहाँ पर है ये छोटा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है, इनको हम क्या करेंगे, इनको साइड करेंगे। चलिए इसको हम साइड करके थोड़ा यहाँ पर किनारा कर लेते हैं और हम इसको साइड में ले आते हैं ताकि हमारा जो इमेज है यहाँ पर दिखाई ना दे। तो अब देखिए ध्यान से जो इमेज है यहाँ पर लग चुका है। अब इस इमेज को अपने पूरा वीडियो रील्स पर आपको यहाँ पर सेट कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर जो अपना इमेज है यहाँ पर चारों तरफ यहाँ पर पूरा लास्ट तक यहाँ पर लगा दिया, फ़ोटो अपना लग गया, रील्स लग गया, इफेक्ट लग, यहाँ पर कुछ स्पीड कम कर दिया, यहाँ पर फिल्टर चेंज कर दिया। अब इसको हमको यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, इसको जितना बड़ा लेयर है उनके हिसाब से इसको कट लग कर देना है, ट्रिम कर देना है। ट्रिम करने के लिए यहाँ पर ट्रिम वाला यहाँ पर है जो राइट ट्रिम है, इसको ट्रिम कर देना। अब देखिए यहाँ पर अपना जो वीडियो है यहाँ पर बनके तैयार हो चुका है, रील्स बनकर तैयार हो गया। तो आपने देखा दोस्तों यहाँ पर जो मेरा रील्स है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो कि यहाँ पर जितना एडिटिंग था वो हम कर चुके हैं, सारा चीज़ हमने लगा दिए हैं, अपने फ़ोटो लगा दिए हैं, एडिट कर लिए हैं, लेयर लगा दिए हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर एक्सपोर्ट वाले यहाँ पर ऑप्शन पर जाना और यहाँ पर डाउनलोड वाला ऑप्शन पर जाना और अपने हिसाब से रेशो सेलेक्ट करके यहाँ पर जितना भी आप करना चाहो उसके हिसाब से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन पर भी यहाँ पर दीप बताया गया है, देखिए ध्यान से यहाँ पर बगल में, तो यहाँ पर हमको सेव कर देना है। दोस्तों ऐसे करके आप यहाँ पर अच्छा खासा इंस्टाग्राम से भी आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन आपके पास वो नकल के लिए आपके पास अकल होगा तब, क्योंकि आपको एडिटिंग का जो कॉपी पेस्ट है ना, एडिटिंग का ही बहुत खेला रहता है। आप एडिटिंग अच्छे से करते हो तो आपको बिल्कुल रिजल्ट देखने को मिलेगा, यदि आप कॉपी पेस्ट करते हो तो। लेकिन इनसे आप लोगों को इंस्टाग्राम से भी आप लोगों को यदि अर्निंग नहीं हो पा रहा है, आप तरीका नहीं मालूम है, तो आप लोगों को तरीका सीख लीजिएगा। मैंने कैसे यहाँ पर एडिट किया, वीडियो कैसे लेना है आप लोगों को पेज से। अब आप इंस्टाग्राम बहुत सारा पेज इंस्टाग्राम में मिल जाएगा, आप यहाँ से आप भी वीडियो रील्स ले सकते हैं, और रील्स लेने के बाद आप एडिट करके आप अच्छे से यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और अपना इंस्टाग्राम मोनेटाइज कर सकते हैं ताकि आप अच्छे से यहाँ पर अर्निंग कर सकें। और उससे पहले आपको लोगो प्रमोशन है, स्टोरी प्रमोशन है, इससे यहाँ पर आप लोगों को अर्निंग होगा। और आगे चल के 2024 में जो आने वाला है बोनस है, हो सकता है बहुत सारे क्रिएटर को मिले और आप लोगों को भी ऐसे करके बोनस मिल सकता है, क्योंकि जो इंस्टाग्राम है जो मोनेटाइज है उनको ही यहाँ बोनस मिलने वाला है। तो आप इंस्टाग्राम रील्स बना के यहाँ पर आप अपना इंस्टाग्राम पेज को मोनेटाइज कर लीजिए और यहाँ से आप अर्निंग स्टार्ट कर दीजिए। आप एक ही प्लेटफॉर्म पर ना लगे रहें, हो सकता है आप यूट्यूब पर सफल ना हो तो आप कहीं और प्लेटफॉर्म पर सफल हो जाओ, चाहे इंस्टाग्राम पर हो चाहे फेसबुक पर हो, जितने भी यहाँ पर सोशल मीडिया है आप ट्राई करते रहें, क्योंकि पता नहीं कौन सा प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही मददगार हो और सही साबित। आशा करता हूँ आज के वीडियो में आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा एक रील्स को कैसे एडिट करना है, कैसे रील्स को अपलोड करना है, ये सारा चीज़ आप लोगों को प्रोसेस पता चल चुका होगा। आप अगले वीडियो में और कुछ यूनिक मैं तरीका से आप लोगों के बीच में लाऊंगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके साथ साथ आप लोगों के मन में कोई भी डाउट होगा एडिटिंग के लिए तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उनके लिए प्रॉपर एक वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वीडियो बनाने के लिए कितना मेहनत लगता है, एक वीडियो क्रिएट करने के लिए आप लोगों को पता, एक क्रिएटर को ही पता होता है। तो आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, आपको एक लाइक कर देना है, प्यारा सा कमेंट कर देना है और चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आप लोगों को जितना भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच पाओ और इनका लाभ उठा पाओ कि आखिर कैसे एडिटिंग करना है, कैसे क्या लगाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारा चीज़ मैं अपने वीडियो पर बताते रहता हूँ। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।